हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर हब में फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे MTM टैंकर्स के बारे में। कमेंट आया था कि MTM टैंकर्स के बारे में बताओ, तो आज की वीडियो में बस इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। MTM जो है वो सिंगापुर बेस्ड कंपनी है, सिंगापुर ओनर कंपनी है। दोस्तों, MTM जो है वो वर्ल्ड की बेस्ट कंपनियों में से एक कंपनी है और इंडिया की टॉप लिस्टेड कंपनियों में आती है। MTM के पास गाइस सारे के सारे वेसल्स, टैंकर वेसल्स हैं और बड़े जीआरटी के वेसल है इस कंपनी के पास। टोटल 70-80 वेसल हैं इस कंपनी के पास और सारे न्यू बिल्ड वेसल हैं। MTM जो है गाइस फुल ITF कंपनी है और MTM जो है वो हर कंट्री से मैनिंग करती है, इंडिया, फिलीपींस, सिंगापुर, यूक्रेन, USA, ऑल ओवर एशिया से ही मैनिंग करती है। और इंडिया में इसका एक मेन ऑफिस है वो मुंबई में, वहाँ से ही मैनिंग करती है पूरी इंडिया की। और MTM जो गाइस बहुत अच्छी कंपनी है, रेपुटेटेड कंपनी है मार्केट की। और इस कंपनी के आपको हर वेसल पे वाईफाई मिलेगा और खाना पीना भी इस कंपनी में अच्छा है आपको। इसमें इस कंपनी में इंडियन खाना भी मिल जाएगा। और बात करें सैलरी की तो गाइस इस कंपनी में सैलरी भी बहुत अच्छी है। बात करें एवियोलर की सैलरी तो एवियोलर की सैलरी $1,200 to $1,500 ऑन पेपर जाती है और OT मिला के $70 to $1,800 तक जाती है। तो सैलरी के मामले में बहुत अच्छी कंपनी है। बट गाइस MTM जो वो फ्रेशर को नहीं लेती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप इस कंपनी में ट्राई कर सकते हो और अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो बहुत मुश्किल है इस कंपनी में। MTM जो वो 30 to 35 months का एक्सपीरियंस मांगती है। और MTM जो गाइस जानी मानी कंपनी है, कोई छोटी कंपनी नहीं है। और अगर आपके पास कोई रेफरेंस है तो आपका MTM में हो सकता है, MTM में रेफरेंस लग जाता है। अगर आपका कोई रिलेटिव या कोई आपका कैप्टन है, ऑफिसर इस कंपनी में 4-5 साल से MTM में काम कर रहा है तो आपका रेफरेंस लग जाएगा, आराम से लग जाएगा, इस कंपनी में रेफरेंस लग जाता है। और इस कंपनी में गाइस एजेंट नहीं चलता है, बहुत मुश्किल एजेंट का इस कंपनी में। अगर रेफरेंस है तो आपका इसमें हो सकता है, अदरवाइज आपको एक्सपीरियंस के बेस पे ही इस कंपनी में जॉब मिल सकती है। बट गाइस MTM जो बहुत जल्दी लेती नहीं है, MTM में गाइस थोड़ा सा वेटिंग पीरियड ज़्यादा है। ये अपने पुराने ही क्रू को ज़्यादा हायर करती है, नए क्रू लेने में थोड़ी सी डरती है। बट अच्छी कंपनी है गाइस, ओवरऑल अच्छी कंपनी है। अगर आपका इस कंपनी में होता है तो छोड़ने के लायक नहीं कंपनी, लाइफ टाइम के लिए बेस्ट कंपनी है। और इसके बाद कोई आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Thank you for watching this video.